अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. रिजवान अदर मोहसिन अली वेलकम यू दिस वीडियो. उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे. तो मच नीडेड विन फॉर दिल्ली कैपिटल. बहुत जरूरत थी इनको जीत की, और क्योंकि हार 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 और बिल्कुल बॉटम में थे, तो बॉटम से धकेल के थोड़ा सा ऊपर गए हैं और अभी भी खतरे की घंटी जो है वो पांच में से दो जीते. आई मीन छठा मैच था शायद इनका, छह में से दो जीते, तो अभी भी खतरे की जो घंटी है वो तो थोड़ी थोड़ी बज रही है, तो मजीद मैचेस जीतने पड़ेंगे. मिड इनिंग में 167 चलो गिरते पड़ते ठीक टोटल बना लिया था, और आज तक दिल्ली कैपिटल लखनऊ 160 के ऊपर का टोटल डिफेंड करते हुए हारी भी नहीं, 160 के ऊपर का टोटल डिफेंड करते हुए नहीं हारी. लेकिन आपसे अर्ज किया था, लग रहा है कि जी 50-50 किस्म का है, और थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल के हक में लग रहा है मुझे कि वो शायद चेस कर जाएगी ये टोटल. और बहुत अच्छी इनिंग खेली है ऋषभ पंत ने, और जनाब उसके साथ साथ जो जैक फ्रेजर साहब है, ये अच्छी रेपुटेशन के साथ आया. ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पे ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, 21-22 साल एज है इसकी, तो इसकी रेपुटेशन यही है. अभी ये इंटरनेशनल जो यूएई की लीग है उसमें भी बहुत अच्छा खेला था ये, तो चौके छक्के मारने की इसकी एक आदत है. और आज भी पहला स्कोरिंग शॉट ही आईपीएल का अपना छक्का मार के, फिर एक दो गेंदों के बाद फिर छक्का, कैच छूटा, खैर कैच तो फिर छूट जाते हैं, कईयों के छूटते हैं, लेकिन उसका भरपूर उसने फायदा उठाया और अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके गया. तो फर्स्ट टाइम लखनऊ की टीम 160 के ऊपर का टोटल डिफेंड करते हुए हारी है. फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक होता तो फिर शायद कुछ और कहानी होती, लेकिन बीच बीच में जो धुलाई हुई है जनाब आज कुणाल पांड्या की, तो उसने भी काफी, मतलब एक तो रन भी ठीक थे, 167 ऐसा टोटल नहीं होता कि आप बोलेंगे जी ये तो बस मैच अब अपना ही है, 160 के ऊपर कभी चेज नहीं हुआ, तो आज भी नहीं होना. 190-200 के बीच का टोटल हो तो यू फील मोर कंफर्टेबल, इतनी रन पे फिर आप इस तरह की बॉलिंग तीन तीन छक्के खा रहे तो काम तो तमाम ही होना था. ऋषभ पंत, क्वेश्चन इज दिस कि अब वर्ल्ड कप है सर पे, डेढ़ महीने के बाद, दो महीने के बाद वर्ल्ड कप है, और विकेट कीपर अभी तक हर बंदा लाइन में लगा हुआ है, कौन 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 कौन. तो ऋषभ पंत मुसलसल परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, और आज भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है. तो वर्ल्ड कप का साल है, साल के अब तो महीने चल रहे हैं, वर्ल्ड कप के महीने चल रहे हैं, तो ऋषभ पंत उसने भी अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी आ रही है, लाजवाब आ रही है. तो इस पर भी जरा गुफ्तगू होगी कि कौन हो सकता है विकेट कीपर इंडिया का इन द वर्ल्ड कप. ऋषभ पंत इज पुशिंग हिज केस. जी मोहसिन अली साहब, एक तो पॉइंट आपको मिल गया, मुबारक हो आपको, और बहुत अच्छा खेले दोनों, पंत भी और वो साथ में जनाब जैक फ्रेजर साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. पहले तो आपने बहुत अच्छी गेम रीडिंग की मिड इनिंग्स में, आपने बोला 50-50 है, और बल्कि एच है डीसी को, जबकि एक भी बॉल बोल नहीं हुई थी, ये नहीं हुआ था कि मैच जो है वो 77 रन की पार्टनरशिप आ गई हो फ्रेजर और पंत की. नो, आपने मिड इनिंग्स में, राइट एट द स्ट्रोक ऑफ मिड इनिंग्स, आपने कहा, मैंने कहा मैं तो अभी भी समझता हूं कि ये ट्रिकी चेज है, वो जो ऊपर के कुछ रन आ गए हैं वो है, और आई स्टैंड बाय वही 55 या 60 जो भी मैंने ने सुबह के शो में दिए. बट हैड्स ऑफ, यू आर पिन पॉइंट, जिसे कहते हैं ना हिटिंग द बुल्स आईज, आपने बिल्कुल सही रीड किया, एक्सेप्शनल रीड किया. मैंने उसमें आपको ये कहा था, ऋषभ पंत और पृथ्वी शाह ये बड़ी अहमियत रखते हैं, अगर ये वाकई टोटल, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेजर का मुझे इतना नहीं था कि ये डेब्यू पे ही 50 कर जाएगा और अच्छे अच्छे छक्के मारता है, हालांकि शॉर्ट इन साइड है, हाइट है, नॉट वेल बिल्ड है, अनलाइक ऑफ ऑस्ट्रेलियंस, ऑस्ट्रेलियंस आर वेल बिल्ड, बट दिस यंगस्टर 31 बॉलों की और तीन छक्के कुणाल पांड्या, हालांकि इस वक्त तक टिल टुडे कुणाल पांड्या वाज अमेजिंग, एक्सेप्शनल, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, साइलेंट सोल्जर था जो अंदर ही अंदर काम डालता था. बहुत ही कमाल की जो है बारी आई इसकी भी, और ऋषभ पंत ने भी अच्छे छक्के लगाए. रवि बिश्नोई वाज वंस अगेन एट द टॉप ऑफ हिज गेम, जब छक्के पड़ रहे हैं इधर उधर, वो जो है बेहतरीन ओवर कर रहा है और विकेट निकाल रहा है, पार्टनरशिप ब्रेकर ऑब्वियसली कैच भी उसी ने जोड़ा था,
और फिर भरपाई भी हुई, लेकिन मेरा जाती ख्याल है जहां उसने कैच छोड़ा था उसके बाद कुछ छके छके आए हैं, लाजमी आए हैं, लेकिन ये है कि कैच छूट जाते हैं। रवि बिश्नोई बहुत अच्छे कैच भी पकड़ता है, अर्शद वाज गुड, उसके फिगर्स नहीं बता रहे आपको, वो यश वाज आल्सो गुड, लेकिन उसको एक ओवर में जो फेंटा लग गया ना 15-17 का, उससे उसके फिगर्स थोड़े से खराब हो गए। स्टोनिस ने 10 रन दिए पर वो विकेट ले गया था फ्रेजर की, इतना आसान सीधा गया। आज जो ये रन चेज है इट वाज मेड पॉसिबल 62 का जो पावर प्ले, हालांकि ऋषभ पंत उसकी फिटनेस का रिजवान इतना वो हांप रहा था, ही वाज लिटरली मुझे लगता था किसी वक्त भी आउट हो जाएगा ये, क्योंकि वो हांप रहा था, ही वाज बैडली टायर्ड, नो फिटनेस, जीरो फिटनेस है। हालांकि ये ऋषभ पंत की अगर हो ना तो वो समझ में आता है यार, 1.5 साल इतना खौफनाक ऑपरेशन हुआ है, 1.5 साल गेम से अवेयर है, लेकिन भाई जी पृथ्वी शाह की ये बड़ा मसला है। ये मैं आपको याद तो वही 5-6 ओवर खड़ा रहे, जो भी उसने फेंटा फूटा लगाना है वो लगाए, दैट्स इट। बट आज ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली कैपिटल की टीम जो है बैटिंग में बड़ी मुनज्जम नजर आई, बड़ी, हालांकि वो जिस तरह वार्नर बार वाली बॉल को बल्ले से अंदर ला के फिर देख रहा है ये क्या हो गया, पृथ्वी शाह थक गया था, फ्रेजर और पंत जहां पे आउट हुए मैच खत्म हो गया था, मैच वाज। पृथ्वी शाह की सही आपने बात की है, फिटनेस भी ओवरवेट भी है, और अब जैसे ही वो रनिंग करता है तो हर किसी की कोशिश होती है कि उसके एंड पे गेंद मारा जाए, आज भी वो कई दफा बिल्कुल इतना पीछे था, तो ही रियली नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस टू, ये बात आपकी सही है। तो 200 के करीब रन कर चुका है और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से कर चुका है इस आईपीएल में, और अपना जो केस है वो दोबारा फॉरवर्ड कर रहा है, तो क्या लगता है अभी अगर बहुत अच्छा चला गया आईपीएल तो क्या देख रहे हैं, कौन हो सकता है ये विकेट कीपर इंडिया का? देखिए रिजवान साहब, आप इस पे मेरे से इख्तलाफ करें या मेरे से इत्तफाक करें, लोग मेरे से इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, मेरी नजर में जो इस वक्त थ्री वे बैटल में आपको देखिए, केएल राहुल को अगर कोई विकेट कीपर बैट्समैन बना के ले जाना चाह रहा है तो उससे बड़ा माजरत के साथ कोई मेरी नजर में उस, देखिए विराट भी है रोहित भी है, यू कांट टेक थ्री सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर्स इन वन प्लेइंग 11 और फिर आप मारे जाएंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो मेक इट लाउड एंड क्लियर, इधर यू हैव टू ड्रॉप विराट फॉर केएल और यू हैव टू ड्रॉप योर कैप्टन रोहित शर्मा फॉर केएल, और अ सिंपल सिनेरियो इज कि केएल डजंट डिजर्व, केएल एंड आयर, आयर जितनी भी अच्छी आगे आईपीएल में इनिंग्स खेल ले, मेरे नजदीक इंडिया का जो प्लेइंग 11 है वर्ल्ड टी20 प्लेइंग 11 से मुराद है जो 15-16 जाने हैं, उसमें केएल और आयर मैं कहीं नहीं देख रहा, ना जितेज देख रहा हूं ना दौरव चुरैल देख रहा हूं, मैं जो थ्री वे बैटल देखे, कुछ लोग कह रहे हैं आपने डीके को मिस कर दिया, यार देखे ट्राई टू अंडरस्टैंड 2022 वर्ल्ड कप कितनी हाइप थी, आईपीएल खेल के आया, ये फिनिशर है, ये कहिए तो अपनी टीम को फिनिश करने लगा था, पूरे वर्ल्ड कप आपने देखा फील्डिंग में भी कितनी फंबल्स थी, कीपिंग में देखिए कीपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कैच आपको पूरा मैच मरवा देगा, एक स्टंपिंग आपको तबाही कर देगी, और अगर आप पीछे सही विकेट कीपिंग नहीं कर सके तो मारे जाएंगे, और डीके कीपिंग नहीं कर रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल, ये भी ध्यान में रखें कि वो आरसीबी की तरफ से विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तो संजू भी दोबारा कर रहा है, वो तो अब निकला तो आया ना डीके, जब तक वो तो पिछले मैच में निकला ना, उससे पहले तक तो खिला रहे थे उसको, कहने का मतलब बैटल है और इन तीन में से दो जाने चाहिए, ऋषभ पंत तो मैं आंखें बंद करके नंबर वन है मेरा, संजू और ईशन किशन, देखें ये बात सच है कि संजू और ईशन किशन व्हेन इट कम्स टू टी20 इंटरनेशनल मैचेस ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं, वो आप पंत के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन देखें पंत की ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो आपको नजर आ रही है इस आईपीएल में, इस वक्त जितने भी आपको प्लेयर नजर आ रहे हैं विकेट कीपर बैट्समैनों की बात कर रहा हूं तो ऋषभ पंत माइल्स अहेड है, इवन संजू की वो इनिंग्स एक आधी अच्छी आई है, लेकिन आप देखिए जो इंपैक्ट ऋषभ पंत क्रिएट कर रहा है,
जो इसके ट्रस्ट में इंपैक्ट है ये वही इंपैक्ट इस वक्त T20 चाहे IPL है। तो IPL में कोई आरसीबी के खिलाफ तो स्कोर नहीं किया ना इसने, कोई हल्की बॉलिंग के खिलाफ स्कोर नहीं कर रहा ये आज रिकॉर्ड। हाँ बोले अच्छा मैंने कहा कुछ, ये जो आज रिकॉर्ड हुआ है 13 मैचों में ये अनबीटन रहे हैं, जब भी इन्होंने 160 प्लस का स्कोर डाला है, तो इसमें ऋषभ पंत फ्रेजर बिल्कुल था, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरह गेम को चेंज किया, जिस तरह गेयर चेंज किया, उसने मारे हैं 3 छक्के कुणाल पांड्या को, कोई शक नहीं फ्रेजर ने, लेकिन ऋषभ पंत ने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विच शॉट पे चौके या दयाल मार ही नहीं खा रहा था उसको ठीक ठाक फेंटा लगाया इन्होंने, तो रिजवान सर नंबर वन विकेट कीपर है मेरे लिए ऋषभ पंत इस वक्त एट प्रेजेंट। नंबर टू और थ्री ये है सैमसन और ईशन किशन है 3 पे इस वक्त एट प्रेजेंट मेरे लिए, ये 3 में से 2 जाने चाहिए, केएल राहुल सोचे भी ना। ठीक है जी, सोचे भी ना। जब व्हेन यू आर डिफेंडिंग 167 एंड योर वन बॉलर गिव अवे 45 रन इन 3 ओवर्स, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। कुणाल पांड्या ही इज अ हॉरिबल हॉरिबल डे टुडे विद द बैट, भी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि हीरो बनता, कुछ रन करता, बैट से भी कुछ नहीं किया, और बॉलिंग में तो अपनी टीम के लिए तबाही मचा दी है, 3 ओवरों में 45 तो बहुत मार खाई है। मोहित कह रहे हैं हेलो रिश भाई मोहसिन अंकल, क्या खेला जनाब ऋषभ पंत, मस्ट नीडेड विन फॉर दिल्ली कैपिटल, वैसे LXG को जीतना चाहिए था, वन साइडेड मैच बट 94 फॉर 7 टू 167 था फॉर 7। नहीं तो जीतना तो देखें, जो टीम अच्छी खेलती है वही जीतती है ना, जीतना चाहिए, किसी की जीत कॉपीराइट तो होती नहीं है कि जी इसका कॉपीराइट है, वो समीर साहब ने आपको कल एडवांस दे दी थी, कॉपीराइट दे दिया था उन्होंने कि डेली पे तो एडवांस हम पॉइंट आपको मुबारकबाद दी थी, ये तो देखे ना, ये तो है, फिर वो मुझे कहते हैं, हालांकि वो सबसे बड़े PL है। बात ये है कि T20 के मैच में और दिल्ली कैपिटल थोड़ी सी अगर ये अपनी बैटिंग में संजीदगी ले आए, थोड़ा सा बेहतर कर लें, तो बॉलिंग इनकी पूरी नहीं है, दे कैन बी अ गुड साइड, मसला ये है कि इनकी बैटिंग बीच में स्ट्रगल करती है, और एक विकेट अभी चलो इन्होंने स्ट्रेंथन किया है लेके, एक आधा और बैट्समैन बीच में लेके आए हैं इम्पैक्ट के तौर पे, चलो नजर आ रहा है तो थोड़ी सी बेहतरी नजर आई है, वरना तो 4 आउट हो तो अक्षर पटेल आ जाता तो वो फिर मजेदार काम नहीं होता। तो T20 फॉर्मेट में ये टीमें बुरी नहीं है, ये RCB की चलो बॉलिंग अटैक हल्का फुल्का, ये एक दो टीमें, लेकिन T20 में कोई किसी को भी हरा सकता है, वी अंडरस्टैंड, चांसेस कम ज्यादा हो सकते हैं, 60-40 65-35 30-70, इससे नीचे मेरा नहीं ख्याल कि किसी के कम चांसेस होंगे, इतने को चांस होते ही है T20 में, कोई कितनी भी माड़ी टीम हो, एट द एंड ऑफ द डे आप ना 90-10 या 80-20, आई डोंट बिलीव कि इतना कोई मार्जिन होता है कि आप एक टीम को इतना ज्यादा चांस दे दें और दूसरी को बिल्कुल भी नहीं। T20 में मैक्सिमम यहां तक ही जाना चाहिए। बाकी जो आपकी बात है कि जी पंत, तो पंत पे अभी हमने बात की काफी डिटेल में, ही इज गुड एंड ही इज लुकिंग गुड, और ये बात भी हकीकत है कि टीम इंडिया के लिए कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस T20 फॉर्मेट में नहीं है, बट द वे ही इज प्लेइंग, तो फिर जो अच्छा खेल रहा है उसको ले, संजू सैमसन किसी भी नहीं है ना, मसला तो ये है कि वो 1.5 साल बाद है, किसी ने भी नहीं उसकी जगह को फुल किया। अगर हम 1.5 साल के बाद वो आया है और अभी भी हम ये क्वेश्चन अगर पैदा हो रहा है कि जी इंडिया के लिए कौन जाएगा एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड कप, तो अगर ये सवाल अपने आप में कह रहा है कि अभी तक कोई इस काबिल नहीं हुआ कि जिसने अपनी ये जगह पक्की कर ली हो, तो ऋषभ पंत को आगे बहुत मेहनत करनी पड़े कि टू टेक बैक हिज प्लेस अगेन। एट द मोमेंट तो लग रहा है कि भाईजान ओपन है हर किसी के लिए, जो जितना अच्छा करेगा वो आ जाएगा, तो लेट्स सी कि क्या बनता है सिलसिला, और ये सवाल अपने आप में ही जवाब है कि कोई अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया इसकी एब्सेंस में भी। Hi, hope you had a good Eid and this Fraser McGurr guy looked good. What do you think about his hitting? I think this kind of player hit out or out. Ji, thank you very much, Steven D'Souza sahab. Eid Mubarak, Eid Mubarak ki bahut shukriya aapka. Ji, I heard
in fact Wasim Akram talking very highly of this guy. वो international UAE की लीग वगैरह कवर की उन्होंने, तो उन बार काफी, फिर मैंने कुछ क्लिप्स भी इसके देखे, तो काफी ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अच्छे छक्के चौके मारता है, और पहला स्कोरिंग शॉट ही मतलब छक्का आया, अब अंदाजा करें तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस है, फिर दूसरा भी छक्का ही आया, दो गेंदों बाद ही आया, तो बीच में थोड़ा सा फंसा था, मतलब 22-21 गेंदे, लेकिन तीन छक्के जो कुणाल पांड्या जी को पड़े हैं तो हिसाब किताब पूरा हो गया, तो 5-6 छक्के 50 के अंदर हो, तो इसका मतलब है कि काफी अच्छी पावर हिटिंग एबिलिटी है बंदे में। शॉर्ट बॉल का मुझे लगा कि बहुत अच्छा पिक कर लेता जल्दी, लेंथ जल्दी पिक कर लेता शॉर्ट बॉल पे, जो पहले 2 छक्के मारे हैं उसने, तो बाकी ही इज गुड अगेंस्ट द स्पिनर, अभी आगे और भी खेलेगा तो और देखेंगे, तो फिर अच्छा देखिए पक्का शॉट मारता है, ये बात तो तय है कि वो पक्का शॉट मारता है, ऐसा नहीं है फूफे मार रहा है, शॉट जो मार रहा है वो नजर आ रही है पूरी शॉट है, और बड़ी शॉट मार रहा है, ऐसा नहीं है हवा में फ्लूके मार रहा है, अच्छे, और बैट की साउंड बड़ी मजे की है, जो शॉट ये मारता है ना बैट की जो साउंड आती है वो भी बड़े मजे की है, इट्स वेरी अर्ली डेज, बट होपफुली ये आज जो कॉम्बिनेशन खेला है ना इनका दिल्ली का, इट लुक वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि देखिए शाय होप भी इतना माड़ा नहीं है, अभी स्टंप्स खेल रहा था, यानी ये इनके जो बैट्समैन इधर, अब जो बारी लंबी देखे ना, चार पोरल भी था और फिर अक्षर ने आना, यही कहने लगा था कि देखिए मैंने आपसे मिड इनिंग में क्या कहा था कि ये पोरल को ना भेजे ऊपर, अगर जरूरी है तो वो खुद आ जाए ऋषभ पंत, वरना आज मैंने आपको ये भी कहा था ये लड़का नया भी है, हालांकि आई डोंट नो मच अबाउट हिम, पर मुझे पता था ये ऑलराउंडर है, लेग स्पिन भी करता है, मुझे ज्यादा नहीं इसका पता था, लेकिन ये पता था कि ये बैटिंग कर लेता है, तो आज बैटिंग नजर आ रही थी ना, अभी अक्षर भी था पुराल भी था, चार आउट थे, 2 खेल रहे थे, यानी 8 नंबर तक बैटिंग आ गई, जो बैटिंग 5 में थी वो 8 में चली गई, तो इसका मतलब अगर ये जिस तरह खेले हैं मेरा ख्याल है ये शायद 180 भी चेस कर जाते, अभी तो 11 बॉलें रहती थी शायद ना करते, लेकिन 180 का देखिए अपना प्रेशर होता है, बट कंसीडरिंग कि जिस तरह इन्होंने स्मूथ चेस किया, नो हसल नो फसल कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन साइडेड चेस हुआ है, ये बड़े स्मूथली हुआ, कहीं भी लखनऊ नजर नहीं आ रहा था कि उन्होंने फंसा लिया, इवन दो शुरू में अच्छे ओवर हुए हैं, बिश्नोई ने भी अच्छे ओवर निकाले हैं, लेकिन फिर भी यश जैल ने भी अच्छा ओवर किया, पर कहीं ऐसा फीलिंग नहीं आई कि ये, क्योंकि वो दोनों इतना शानदार खेले हैं ऋषभ पंत और ब्रेदर, ये इन्होंने कहीं नहीं मौका दिया कि हमारे हाथ से मैच नहीं चल रहा है, कुणाल पांड्या 3 ओवर 45 तो मैच तो उसी ने खत्म करवा दिया, मोहित दलाल साहब मयंक यादव मिस्ड बाय लखनऊ सुपर जायंट टुडे, क्या राहुल लुकिंग स्ट्रेस्ड, तो वो भाईजान कब स्ट्रेस्ड नजर नहीं आया पहले तो आप ये बताएं, राहुल स्माइलिंग, आई एम नॉट सेइंग लाफिंग, स्माइलिंग बता दें लास्ट टाइम आपको याद हो के कब देखा था आपने, वो तो भाई बहुत ही पक्की शक्ल बना के रखता है, बहुत संजीदा मिजाज क्या, और बाकी उसकी एब्सेंस, बिल्कुल जी एब्सेंस उसकी फेल्ट हुई है, हालांकि अर्शद ने अच्छी बॉलिंग की है ऊपर से, लेकिन ये जो दरमियान के ओवर में आके वो एक्सप्रेस पेस के साथ बैट्समैन को बीट कर रहा था, आउट कर रहा था, वहीं से मतलब वो दूसरी टीम की जो बैकबोन है वो तोड़ रहा था, तो उसको लखनऊ जाहिर है कि अब मिस कर रहा है, 1-2 मैच की बात है, कह रहे हैं कि ठीक वापस आ जाएगा, और आई होप उसी रफ्तार से बॉलिंग करे जिस रफ्तार से कर रहा था। हाँ जी समीर कह रहे हैं हाय रिजवान एंड मिस्टर पी एंड लाल, I had no interest in today's game as Yadav was not playing. I don't like leagues but only watch Bumrah, Sky, Yadav, Rohit, Rinku, Narayan. Chalein ji, ab phir unka jab match hoga phir ek aadha aur Lucknow ke match mein nahi hai. Nahi, kal bhi 30% de rahe the, wo cheez mazak tha. Advance point le le, wo bhi mazak tha. I have no interest. When you have no interest then why you are putting your nose in it?
जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है भाईजान है तो आप क्यों पॉइंटों में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे कि दे दे रिजवान को ये भी दे दे रिजवान को वो भी दे दे। तो फिर भाईजान की क्या सिर्फ बुमराह तो नहीं रिजवान को, वो तो इनकी ऑफिशियल टीम है, वो तो इनकी एनएसडी तो इनकी ऑफिशियल टीम नहीं है, इनकी ऑफिशियल टीम है या तो मुंबई इंडियन और या दूसरी टीम जो इनकी है सीएसके है। तो सीएसके के तो आपने किसी भी प्लेयर का मुझे नहीं नजर आ रहा कोई आपने नाम लिखा हो, आपने एक नाम लिखा केकेआर का, दूसरा भी केकेआर का, एक मुंबई का, एक एलएचजी का, फिर मुंबई का, फिर मुंबई का। तो सीएसके जो इनकी ऑफिशियल टीम है उसमें से आपने एक भी प्लेयर पिक नहीं किया। अगर आपको लगता है ये लीग बेकार होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, देन हाउ यू गेव एडवांस कांग्रेचुलेशन जैसे जनाब चांद नजर आ गया है और कल ईद है और कल सरकारी छुट्टी है या नवरात्रि है या कल होली है या कल बैसाखी का मेला है, कैसे आपको पता था फिर अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? हाउ यू सेड कि एडवांस में ईद मुबारक और ले ले, कैसे आपने कहा था वो तो बता दे। ये पॉइंट टेबल देख ले समीर साहब, 12-14 नहीं नहीं कोई कोई नहीं, हमने पकड़ बनाई हुई है अभी भी, दो की एडवांस हम आगे हैं, दो पॉइंट। राजन आज का पॉइंट तो आपका पक्का था, अब ये ना करें। हाँ नहीं नहीं फिर भी दो पॉइंट हम आगे हैं, टेंशन नहीं लेनी। इट वाज योर पिक। कोई नहीं हमने काफी मैच जीते हैं, एक आधा हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम आगे अब कल मेरी के बाद वो लवली फील नहीं आ रहा जी पंत का, नहीं अच्छा खेल रहा यार, और मतलब 170 तो उसके खेलने का चौके छक्के मार रहा है, अच्छा खेल रहा है और पूरा साउंड आ रहा है बैट का, इतना मजे के छक्के मार रहा है। कुलदीप यादव को कह रहे हैं कि जी मैजिक है जी कुलदीप यादव का, कुलदीप ने देखे ना रिजवान साहब, उसने तो जब पूरन को बोल्ड किया माय माय माय, आउट करने का मतलब है कि आपने एकदम अपनी टीम को 20 रन का गिफ्ट दे दिया। सही बात है, ये भाई सात आउट हो गए, व्हाई आर यू वेटिंग एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो ये पूरन को भी आउट किया, बहुत क्लूलेस, पूरन वाज क्लूलेस, कोई समझ नहीं आया इसको। तो पूरन जैसे ही आउट होता है वो जिस भी स्टेज पे खेल रहा हो आप समझे कि आपने अपनी टीम को 20 रन का फायदा दे दिया। तो 20 रन का फायदा दिया भाई यादव जी ने, और प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली। अच्छा शुभंकर दास कह रहे हैं भाईजान रमजान में 15 दिन इफ्तार किया, हर एक गली मोहल्ले का के मजे भी लिए, पुरानी दिल्ली जाकिर नगर, और ये क्या भाई बाली मरहान महरान गालिब कॉर्नर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह, और दरगाह में बार बार कवाली इफ्तार और पार्टिसिपेट किया जी, ग्रेट, बहुत यानी आपने एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया, रमजान खाबे भी खाए हैं और तो फिर आपने बनाया कवालियां भी सुनी, दरगाह पे भी गए हजरत निजामुद्दीन औलिया, हम गए थे लेकिन अंदर नहीं जा सके थे, दीवार की हद तक ही रहे हम निजामुद्दीन औलिया साथ थे। तो कभी मतलब वो एक ख्वाहिश होती है ना बकेट लिस्ट, तो उसमें है ये, अब कभी देखो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो कभी जाएंगे जरूर। तो थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो दैट यू हैड अमेजिंग टाइम भाईजान। यस यस्टरडे यू चेंज्ड योर ओन प्रेडिक्शन फ्रॉम 80-22-55-45, आपने अल्टीमेट पल्टी मारी थी एंड देन यू पुट ऑन मी, that's the definition of palti lal mr baat ye hai ki ghasyani billi khamba noche, it doesn't make any sense, aap chahe to apne indian se is pe poll kara le to wahi aapko bata denge, meri to isme mujhe jawab dene ki bhi mera khayal hai zarurat nahi hai isme, 70-30 aapne de diya tha rcb ko, main to ye kaha tha 55-45 mumbai still jeet raha, मैंने ये नहीं कहा था कि 80-20 से एकदम ही जो है वो मुंबई 45 पे आ गया और 55 पे आरसीबी आ गया, आपने 70-30 आरसीबी को दिया, आपने एडवांस मुबारकबाद कहें तो मैं शो निकाल दूं, अभी आपका मैसेज निकाल दूंगा, एडवांस लिख दो हमारा पॉइंट, ये पॉइंट तो हमारा हो गया,
यानी कि अभी से हो गया। दिल्ली तो मुझे पता है, मुझे अफसोस है दिल्ली में आप जैसे भी लोग रहते थे जो अपने ही शहर को लेट डाउन कर देते थे। हाँ तो भाई आप फैसला कर लो कि पलटी लाल कौन है, पालती या पलटी, व्हाटएवर इट इज। देखे पलटी गए, पलटू गए, नलटू गए। मैं तो फिर भी 55-45 मुंबई को ही दे रहा था। मैंने कहा आरसीबी को 70-30 दिया, बात तो ये। डीसी रॉन्ग बैटिंग लाइनअप लेड टू देयर डिफीट्स, योर व्यूज संदीप कुमार साहब? रॉन्ग नहीं, थाई चार उनके पास उस वक्त। ये देखिए यहाँ भी रिकी पॉन्टिंग पे कोई नहीं बात कर रहा। आज देखिए कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ, लखनऊ जैसी टीम जब कभी नहीं आ रही, 13 अटेम्प्ट्स में 160, 94 से 7 में से 167 तक साथ ही रहा, लेकिन फिर भी बैटिंग लाइन में डेप्थ आई तो बड़े आराम सुकून से लगे ही नहीं कि जनाब दिल्ली की टीम खेल रही है। ये तो लग रहा था मुंबई इंडियन खेल रही है जब बाही कर रही थी। हाँ भाईजान बताओ कल कौन सी टीम है आपकी? यार बता देंगे क्या, जल्दी क्या है? नहीं अगर आप तो मेरी टीम है, आपको फिर होम टीम दे रहा हूँ, क्या याद करेंगे आप अपने हाथ, मारे हाथ अपने पट पे। बहुत ही आपने कमाल कर दिया भाई, ये तो आपने ऐसा काम कर दिया जिसकी तवक्को ही नहीं थी बिल्कुल। तो आपने तो देखें, आपने मुझे वो टीम दे दिया कि जो टॉप पे नहीं है। नहीं लेकिन घर में तो खेल रही है पंजाब की, कोई डेंजरस नहीं। देखें भाई ऐसी मासूमियत पे बंदा कुर्बान जाए। जो टेबल के टॉप पे है वो खुद रख रहे हैं और कह रहे हैं जाएं ऐश करें आप, आपको मैंने होम। अच्छा चले आपके लिए आसानी कर दूं, एक मिनट रहे, एक मिनट यहीं रुक जाए, आसानी कर दूं। जो दिल है आप ये मैं अपनी जो बारी है आपको देता हूँ, आप पिक कर लें, मैं फिर दो पिक कर लूंगा, आप कर लें चले। नहीं नहीं दो, अच्छा फिर अगली बार मैं भी दो करूंगा। आप क्यों दो करेंगे, बारी मेरी है ना, अगर मैं छोड़ूंगा तो दो हो गई ना मेरी, आपने लेनी है ले ले, बारी आप ले ले। अच्छा एक सेकंड मैं जरा थोड़ा सोच, हाँ लगाए अपना दिमाग इधर उधर। ये आज पंजाब का शेर, ये यों बिलियों कर रहे हैं, ये है पंजाब का शेर। नहीं जी मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। I don't like your this offer. Okay. अगले मैचेस में बड़ी अपनी फेवर की बातें हो सकती हैं। So no 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 no. ये तो दो मैच में पता भी नहीं चलेगा यार, अभी दो की लीड है आपकी, ऐसे ही परेशान है आप, इतना जल्दी आप परेशान हो जाते हैं। मैं तो भाईजान इधर अभी देखता हूँ इस वीडियो में कि कल किसका मैच है। ये भाईजान ने पूरे महीने का स्कैन करके रखा हुआ है, किसका मैच है। चलो ठीक है भाई, देखे अगर आपको आप क्या क्रिकेट पे रखेंगे नजर, अगला मैच तो पता होना चाहिए। हाँ एक बारी देके दो बारियां, नहीं नहीं भाई आप अपनी बारी, भाई एक बारी देके नहीं, मेरी पिक क्या है तो अगली मेरी दो पिक हो जाएंगी, इसमें एक बारी देके दो कैसे है भाई। आज मेरी पिक क्या, मैं छोड़ रहा हूँ आगे आपकी भाईजान जो टीम है वो ही है, बस डन हो ठीक है। मेरी राजस्थान रॉयल है कल, आपकी पंजाब है, अब अगली पिक आपकी है, इसमें टेंशन क्या है, बस ठीक है ठीक है। द थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट पंत इज हिज इंप्रूवमेंट इन फिटनेस। He's almost attained 2018 वाली IPL की फिटनेस। I hope this is the start of वजन तो थोड़ा लीन उसकी बॉडी लग रही है टू बी ऑनेस्ट, और रनिंग भी ठीक ही है। थोड़ा सा मोहसिन भाई कह रहे हैं कि सांस वगैरह उसका फूलते हुए कोई इन्होंने नोटिस किया कि सांस वगैरह फूल जाता है। नहीं नहीं ऋषभ पंत का नहीं, मैंने पृथ्वी शाह का कहा था यार, क्या कर रहे हैं। अच्छा पृथ्वी शॉ का, मैंने ऋषभ पंत का कब आपसे कहा सांस फूल रहा है, हालांकि उसने जहाँ तीन बनते थे एक दो जगह ऐसे थी, उसने नहीं लिया, एक तो तीन आया एक नहीं भी लिया, लेकिन वो पृथ्वी शॉ था जो उसका सांस चढ़ रहा था। पंत देखिए अभी दिन ब दिन और भी आपको फिट नजर होता हुआ नजर आएगा,
वो एक इंसान की एक खासियत है, एक नेचर है कि जो चीज उससे जारी होती है ना उसका उसको बहुत एहसास होता है कि भाई ये चीज जब होती है पास तब उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, जब वो जारी होती है फिर बंदा फील करता है। तो आप ये इतने स्केरी एक्सीडेंट से वापस आया, आई स्टिल रिमेम्बर हिज वन पोस्ट कि पता नहीं कितने दिनों के बाद ये सूरज की उसमें बैठा रो बाय लॉन में, और फिर एक पोस्ट की कि आज मैंने खुद अपने मतलब दांत ब्रश किए पता नहीं काफी दिनों के बाद, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है सब कुछ। तो छोटी छोटी चीजों को बंदा इतना नहीं नोटिस करता। जिम में चलो चले जाएंगे, हफ्ते चले जाएंगे, दो हफ्ते बाद चले जाएंगे, ओ यार कल चले जाएंगे। अब ये तो प्लेयर है, इनका तो काम फिटनेस से रिलेटेड है, भागना दौड़ना और फिट एकदम रहना। तो अब ये आप देखेंगे होपफुली इंशाल्लाह मेहनत ये करेगा और ये और भी आपको फिट ही नजर आता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि जी फिटनेस की वजह से बाहर हो गए तो ये हो गए वो हो गए, इस बंदे को अब एहसास हो गया और जिसको एहसास हो जाए वो फिर अपने आप को मौत को देख के छू के गले लग के वापस आया। और मुझे ऐसा लगता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि 2018 से भी ज्यादा ये इसका पुनर्जन्म हुआ। और ये कोई इंजरी से बाहर नहीं हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ना ये फॉर्म की वजह से बाहर हुआ आईपीएल से, ये बाहर जो हुआ रिजवान हैदर साहब अल्लाह माफ करे, हॉरिबल 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 एक्सीडेंट था। हाँ ही वाज एट फॉल्ट लेकिन इंसान है। अजय साहब कहें जी एक सजेशन है कि भाइयों मैच गल करो ना, देखिए प्रेडिक्शन में तो 2-3 मिनट बात होती है क्या भाई कौन सी आपकी टीम है आप बताएं, आपने ये टीम लेनी है वो टीम, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है, ये भी आप लोगों के कहने पे हम करते हैं वरना में सुरत ही नहीं है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट लग जाएंगे। हाँ जी कल ये मैच है आपकी, कौन सी टीम रखनी है आपने, अगर ऑप्शन है, वरना तो वो भी नहीं होता क्योंकि 2 टीमें उन्होंने पिक की हैं, 2 मैंने, तो कल जिसका मैच होगा वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे दिन होते हैं, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द डेज ऐसे दिन होते हैं कि वो पिक भी करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो उसमें कितना कोई यार मेरा टाइम लग जाता है भाई मेरे कि हाँ जी ये बताएं तो ये बताएं और कहाँ भाई क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी, तो उसमें भी हाँ जी मुझे लग रहा है कि आज ये टीम तगड़ी है ये नहीं तगड़ी, तो इट टेक्स जस्ट 2-3 मिनट्स ऑन इट। बाकी तो यही बात होती है कि हाँ टीम के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सा प्लेयर ज्यादा बेहतर कर सकता है, कौन सा अच्छा नहीं कर रहा, कौन सा बैटिंग ऑर्डर किस नंबर पे किस प्लेयर को आना चाहिए, या जो भी रेलिवेंट बातें होती हैं, तो वो टेक्निकली एनालिसिस ही होता है वो जो सारी बातें हो रही होती हैं। तो ये तो चले बीच में थोड़ी सी शुगल मेले के लिए कि 2-3 मिनट में बात ही खत्म हो जाती है, हाँ जी कौन सी टीम जीतेगी, क्या लग रहा है आपको, क्या परसेंटेज है। मेरा भाई ना मैं एक्सपर्ट हूं और ना मैं जर्नलिस्ट हूं, ना मैं स्टूडेंट हूं और ना मैं तो सिर्फ शुगर लगाता हूं और फिर हम लीड में हैं अभी। हा 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 तो रिजवान अदर अगर अपने दिमाग से ना सोचे तो इस वक्त यहाँ पे बोर्ड पे 0 और मेरा ख्याल है ये 26 होता। ये तो रिजवान अदर एक चलाक लोमड़ी की तरह सोचता है, वरना ये 0-26 का मैच होता, ये जो कहता ना मैं अच्छा देखे बदकिस्मती देखे ये बंदा कितनी तेजी से अपने अनुभव से पीछे हट जाते हैं, फरमाते हैं आप देखे इनकी सुने अच्छा ना ये नहीं पता कि मुझे हर बात याद होती है कि कौन क्या कहता है कब कहता है, आखिरी बात करते हुए ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। समीर साहब बात यह अभी आप कुछ दिन पहले तक फरमाते थे कि आपको भी समझ आ गई है, अब आप भी नजर रखते हैं और आपको भी गेम रीडिंग आ गई, अभी आप कहते हैं ना आप जर्नलिस्ट हैं ना आप फलाना है ना आप फलाना है, ये तो कोई बात नहीं, एक कंफर्म पॉइंट आप अगर हार गए हैं तो बड़े दिल से एक्सेप्ट कर लिया करें। ये वैसे आपने 26-0 थोड़ा ना गुस्से में बोल दिया, कोई कुछ तो चलो 25 है कर ले। नहीं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, अच्छा चले 20 और 6 कर ले। हाँ कोई चलो कोई ठीक है, अब आप कह रहे हैं आप थोड़े से तो वैसे और बढ़ जाते हैं। अगर ऑप्शन ना हो ना, मतलब हमने तो टीमें में लगी हुई है मजबूरी है,
अगर आप सुन ना हो यकीन करे मैं समीर भाई को रोज चेक एंड मेट कर रहा हूँ। ये तो जज्बाती हो के काम करते, हम तो शुगल में कर रहे होते हैं जज्बाती हो जाते हैं। नहीं नहीं वो भी शुगल शुगल ही लगाता बंदा शुगल ही है। हट गए अपनी बात से अभी फौरन ही। वो भी बंदा शुगल ही लगाता है। वो भी होती बहुएं होती हैं सास बहू आपस में शुरू हो जाती हैं। और मैं तो ये भी नहीं मैं आपने टेंशन नहीं लेनी समीर साहब, बेशक आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है या मैच अब कम देखते हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं होता भाई, हर बंदा मैच अगर देखेगा उसे समझ आएगी। लीड हमने बनाई अभी भी, फिलहाल टेंशन नहीं लेनी, दो मैच की है अभी भी लीड। अच्छा जी शुभंकर दास क्या कह रहे हैं, काश बात ये है कि मैं अभी हजरत निजामुद्दीन दरगाह के अंदर बैठा हूँ, एक से बढ़कर एक कवाली हो रही है और क्या माहौल है। थोड़ी देर पहले कुन फाया कुन और कुन फाया कुन वाला मतलब गाया रहे थे कोई, जो मैं शूट हुआ था। अगर पॉसिबल होता तो वीडियो चले जी, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भेजिए हम देखेंगे। वैसे तो यूट्यूब पे मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट इट्स नाइस यू आर देयर एंड यू आर एंजॉयिंग। हमारी तरफ से भी दुआ करें जनाब, उधर हमारा भी सलाम पेश करें। हमारी तरफ से भी वहां पे सलाम, थैंक यू वेरी मच लेटिंग अस नो दैट व्हाट यू आर डूइंग देयर। पंत लुक्ड गुड बट सैमसन नीड लास्ट चांस इन द वर्ल्ड कप। दोनों जा रहे हैं ना अजय साहब, हम तो यही के, मैंने भी दो पहले दो यही रखे हैं, तीसरा मैंने रखा हुआ ईशन किशन को, तो हम भी यही कह रहे हैं कि एट द मोमेंट तो ये बन रही है लिस्ट, पंत एक सैमसन दो और किशन तीन। हाँ जी तो अभी चल रही है रेस, पांच पांच छह छह मैच पे काम पहुंचा हुआ है, तो जैसे आगे जाएंगे 10 मैच 11 12 और मुझे लगता है जैसे जैसे मैच आगे जाएंगे ऋषभ पंत और मैच्योरिटी दिखाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए माशाल्लाह टचवुड पांच छह मैच जो भी वो खेल गया है, आज छठा मैच विद ईच पासिंग मैच, वो पिछले मैच में तो उसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया ना अपने आप, जब दो बैक टू बैक 50s की हुई है आपको उस वक्त बड़ा स्कोर चेज करना है, आप नीचे से नीचे जाते गए, पता नहीं क्या सोच रहे थे। अदरवाइज पंत इज आफ्टर एवरी मैच आफ्टर एवरी इनिंग्स एज अ बैटर ही इज शोइंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट मैच्योरिटी, और अब इसकी जो शॉट की सेंस है वो भी बहुत हद तक इंप्रूव हुई है। अदरवाइज T20 में ये पटाखे लगाता था और निकल लेता था, अभी ये मैच्योरिटी शो कर रहा है जो कि बड़ा। और देखे ये आज का चेज इतना इजी भी नहीं था, अगर कोई ये समझ रहा है कि इट वॉज अ बिजनेस एज नॉर्मल और रूटीन की बात थी, 167 वॉज ए गुड डिसेंट टोटल, इट वॉज नॉट लाइक के बड़ा आसान सा है। और 63 पे या 62-63 पे पृथ्वी शाह आउट होके गया था, वहां से पूरा 100+ रन रहता था, 62 का पावर प्ले था, 100+ रन रहता था। लेकिन बहुत शानदार, दोनों ही बहुत शानदार, फ्रेजर भी और पंत भी, पंत सीनियर है ऑब्वियसली कप्तान भी है, तो ये दोनों ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन पंत जो इंप्रूवमेंट शो कर रहा है मेरा ख्याल है इस दफा वो ज्यादा, सारी बात है यार जब आप आंखों में आंखें डाल के मौत को देख रहे हैं, उसको डिफीट दे रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मौत तो इनोवेटेबल है ना, आप उसको किसी भी सूरत में शिकस्त तो नहीं दे सकते, टाल सकते हैं थोड़े अरसे के लिए। अनुपम गौतम कह रहे हैं जी हाँ बुरा बुरा दिल्ली कैपिटल जिंदाबाद बॉयज विल बाउंस बैक। ये भाई दिल्ली कैपिटल का बहुत बड़ा सपोर्टर है, पक्का, बहुत पक्का, ही बड़ा, शायद कि अगर कोई कंटेस्ट हो जी हु इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ दिल्ली कैपिटल तो परहैप्स दिस गाय इज गोइंग टू विन दिस दैट एंड हु इज द बेस्ट सपोर्टर ऑफ डीसी। आप तो कई लाइन में होंगे भाई, जो हर दफा पीएल जो है ना अपनी टीम को पॉइंट उसके खिलाफ दे रहा होता है। तो अनुपम जी बॉयज डिड वेल टुडे, इंप्रूवमेंट आई है, कपिल शर्मा भी बड़ा इनका फैन है, ये बहुत फैन है डीसी का, 10वें से 9वें नंबर पे आए हैं तो कोई इंप्रूवमेंट तो हुई है बिल्कुल। मेरी टीम को 10 पे धकेल दिया यार, व्हाट इज दिस यार, तो मोहसिन भाई की ऑफिशियल टीम 10 पे धकेल के खुद आगे हैं 9वें से 10वें पे, तो कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई है आपकी, तो आगे देखें और भी काफी मैचेस हैं, कुछ ना कुछ बेहतर हो। हमने तो इनको 4-5 मैचेस का मार्जिन दिया हुआ है कि 4 से 5 मैच ये जीतेंगे, तो फिलहाल तो 6 में से 2 जीत गए हैं, तो फिलहाल तो बिल्कुल उसी तनासुब से जीत रहे हैं जिस तनासुब से हमने कहा हुआ है।
शायद की थोड़ी बेहतरी हो जाए। मिचेल मार्श आ जाए ना तो इनकी टीम और तगड़ी हो जाएगी वैसे। अच्छा जी, एंड आफ्टर दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस आई एम मोर प्राउड एज एन इंडियन कि हम कोई भी मजहब या धर्म के हों, हर किसी के रिलीजन की प्लेस में ना सिर्फ आ जा सकते हैं बल्कि उनके साथ शामिल होके घुल मिल भी जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, दैट इज अ वेरी गुड, बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है। एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो माइंड है मुझे तो उनसे शदीद नफरत है, चाहे वो किसी भी मजहब से। एक्सट्रीमिज्म जो है वो बिल्कुल सारे जो मसाइल है उनकी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में जो बहुत एक्सट्रीमिज्म है ना, सारे मसाइल की जड़ वो है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहां पे अगर मजहबी हम आंगी है और मजहबी फ्रीडम है, इंटरफेथ हार्मनी इसी को कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। अब तो क्या, खैर लोग बोलेंगे जी आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ ही हमेशा बातें करते हैं, मतलब ऐसा अब पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सीन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हर मस्जिद के बाहर, हर इमामबाड़ा के बाहर अपने गार्ड खड़े करने पड़ते हैं कलाश्निकोव पकड़ा के, कोई अंदर आके मार मूर ना जाए, क्योंकि एक दूसरे को मारने को कहते हैं जी ठीक है जी, ऊपर अलग ये काफर भाईजन हम कोई ये हम ही विक्टिम होते हैं, हमने कभी असला नहीं उठाया। तो बड़ा एक्सट्रीमिज्म है सोसाइटी में भाई, बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे आपने, अब वो टाइम आ गया जहां पे आपने इबादत करनी है, चार जगह आपकी चेकिंग होती है क्या जी ठीक है इसको जाने देना था, फिर भी वहां पे बंदे असले पकड़ के खड़े हुए, कलाश्निकोव पकड़ के खड़े हुए, कोई आ ही ना जाए आज इधर ही घूमते इधर ही ना आ जाए, बुरे हालात है। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे जरा थोड़ा काबू पाया हुआ तो अच्छी बात है, दैट्स नाइस। अभी तो बेचारे पांच सिर्फ स्पोर्ट्स फिटनेस और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ही कर पा रहा है, अगर उसको जंगों वाली ट्रेनिंग मिलती तो सुपर फिट बन जाता। हाँ जी, जंगों वाली ट्रेनिंग वो पाकिस्तान आर्मी दे रही है ना, जंग वाली ट्रेनिंग करके आया वो जिस तरह की उससे आया, ये जंग से बढ़ के जंग करके आया। बात आपकी ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अगर ट्रेनिंग चाहिए तो फिर जरा नहीं नहीं, अभी प्लेयरों के साथ हमारी पुलिस को भी ट्रेनिंग दी है आर्मी ने अभी बावलनगर में दो दिन पहले। अब ये देखो किसी भी, लोग तो कहते हैं जी पुलिस के साथ ठीक हुआ है क्योंकि पुलिस ने भी आम आवाम का जीना जाब किया हुआ है, बहुत कुटा है उन्होंने इनको पिछले एक डेढ़ साल, पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई वगैरह को, तो पुलिस वालों ने बड़ा जुल्म ज्यादती की थी वहां पे। तो ये ईद वाले दिन वो एक पुलिस स्टेशन में जनाब आर्मी वाले अपने घुस गए जवान और जाके पुलिस वालों के कुट कुट के बुरा हाल कर दिया, कुट कुट के बुरा हाल। तो एंड पे कुछ नहीं हुआ, जो कि कभी भी कुछ भी नहीं होता, और सुलह सफाई हो गई है, और बल्कि उनसे मारा भी है, उनसे फिर नारे भी लगवाए हैं जिंदाबाद, पुलिस भी जिंदाबाद, आर्मी भी जिंदाबाद, सारी जिंदाबाद, चपेटा भी खा लिया, ठुड्डे मुक्के भी खा लेते, नारे भी लाए। तो ऐसा ही है वहां पे, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी है, आप बात समझ नहीं रहे, ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कैसा आधे पुलिस वालों को अच्छा। और वो एक पुलिस वाला कहता है कि जी ये कोई तरीका है, ये कोई कानून है, ये कोई मतलब इस मुल्क में ऐसे है वैसे है, कानून याद आ गया है। मतलब जो लित्र पे ने जुतियां पईया ने तो फिर याद आ गया जी, कोई कानून भी होता है, कोई कायदा भी होता है, कोई सिस्टम भी होता है, जब खुद सब वायलेट करते हैं तब ठीक है, जब चार चंडे पड़ी है खुद को तो फिर ये तो जी काम तो नहीं गया जी, बदमाशी खुल्लम खुल्ला। हाँ जी, तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवानी है तो फिर आप वो आर्मी करवाती होती है, पता नहीं आपने क्यों नहीं ये सोचा, हमने तो देखे कहां पहुंच गए। पंत को पैंटी नाम से बुला सकते हैं, यार पैंटी नाम तो अच्छा नहीं है वैसे, पंत ही बोले आप उसको। पैंटी अगर नाम ही रखना है तो पैंटी रख दे उसका नाम, मुखानदीन की पैंटी। I used to love Gilchrist. Maybe you two can answer कि अगर Gilchrist के बाद अगर ऐसा कोई विकेट कीपर बैटर आया है जिसके अगेंस्ट इतनी फेयर है तो वो पंत है। जी टेस्ट में पंत ही है, सिर्फ टेस्ट में मैं बोलूंगा, ना ही वनडे में,
नहीं टी20 में, टी20 में 125 की स्ट्राइक रेट, चौथे पांचवें नंबर पे खेलते हुए 60-70 मैच इंडिया के लिए पंत ने खेला है, और जो टॉप सिक्स के आपके बैट्समैन है सबसे कम पंत का ही स्ट्राइक रेट है, बाकी 140 150 अब तो 180 वाले भी आ गए हैं, स्काई 170-180 वाले भी आ गए हैं। तो ये बात ठीक है आपकी, गिलक्रिस्ट के बाद अगर आपने पंत को तो टेस्ट के साथ रिलेट किया करें उसको, टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत ने अपने डेब्यू से लेके जितनी अभी 4-5 साल में इनिंग खेल दी है, उतने एशियन विकेट कीपर बैट्समैन अपने पूरे करियर में भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेला करते, खास करके ओवरसीज में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें पहली दफा जब जीते उसमें भी एक इनिंग में 159 हाईएस्ट इसी का ही है मेरे ख्याल अभी तक वही रिकॉर्ड के किसी विकेट कीपर एशियन का जाके इतने रन करना। तो ही इज गुड, ही इज एक्सीलेंट इनफैक्ट, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में टी20 में बस ठीक सी परफॉर्मेंसेज हैं, कोई बहुत एक्सेप्शन नहीं इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से खेलते हुए। और जो गिलक्रिस्ट की बात है वो तो फिर भाईजान बस ना ही पूछे, वो पहले तो ऑस्ट्रेलिया के आउट करते करते टीमों के बुरे हाल हो जाते थे, आउट होंगे तो गिलक्रिस्ट आएगा, वो जब 5-4-5 आउट होते थे वो 80-100 ओवर पहले खेल चुके होते थे, फिर आता था जनाब ये वैशी बैट्समैन गिलक्रिस्ट, बैट्समैन जो बेचारे पहले थके हारे होते थे, बाकी उनका जो ये कुछ उम्र निकालता था वो तो मत ही पूछे आप, तो बहुत डेंजरस बैट्समैन था वो, और वनडे में तो ऊपर आता था ओपनिंग। समीर कह रहे हैं आई लव माई इंडिया, आई लव माई दिल्ली, लेकिन दिल्ली कैपिटल बिल्कुल माजरत है, मानो या ना मानो दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स एंड आरसीबी आर लूजर टीम्स एंड ऑलवेज डिसअपॉइंट फैंस, ये बात ठीक है, आरसीबी इवन पंजाब अप टू सम एक्सटेंट एवरी ईयर पांचवें छठे सातवें नंबर पे फिनिश करना, 10 साल हो गए प्लेऑफ के लिए नहीं गए, आरसीबी भी जाहिर है उसी कैटेगरी में ही आती है टीम, दिल्ली आज जीत गई अच्छी बात है, बट वी नो दे आर नॉट गोइंग टू प्ले द प्लेऑफ्स, ये बात तो अब आप नोट कर ले, मुश्किल है बड़ा, 8 में से अब इनको यानी 6 मैच जीतने पड़ेंगे, तो इतने कंपेटिटिव टूर्नामेंट में इट्स नॉट इजी कि आप 8 में से 6 मैच जीते, 2 ये मैच जीते हैं पहले, 8 मैच और हो जाएंगे तो इनके 14 मैच, तो 8 मैच तो जीत के बगैर आई डाउट, अगर बहुत आपकी किस्मत अच्छी होगी किसी टीम की तो 7 मैच जीत के शायद चले जाए, वरना 8 तो जीतने पड़ेंगे, तो आप गलती की गुंजाइश देखें इनके पास बहुत कम है, 8 में से 6 मैच जीतना है, और इतनी तगड़ी तगड़ी टीमें हैं, अब केकेआर राजस्थान रॉयल्स वगैरह अच्छा खेल रही है, मतलब मुंबई अच्छी फॉर्म में आ गई है, अभी हैदराबाद बीच में दे आर नॉट बैड दे आर गुड, तो मुश्किल है इनका, तो हर साल इनका यही रोना होता है, ये टीमें जो है पहले से पता होता है कि जी नीचे की 3-4 सीटें तो फुल है, वो तो पहले इन्होंने कंफर्म कराई हुई है कि ये 3-4 सीटें जो नीचे के नंबरों की हैं 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर की, तो वो इन्हीं में से किसी ने आना ही, विच इज अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, ये टूर्नामेंट का मजा खराब करती है ये बात, ऐसा हो ना कि जैसे कि नीचे की कोई टीम है जो फिनिश कर रही है, अगले साल आप बोले कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए तो फिर ज्यादा मजा आए, फिर ज्यादा, यहाँ पे 10-10, 11-11 साल है टीमें जो है टॉप 4 में नहीं जा रही, तो क्या उसमें काफी प्रिडिक्टेबल सा काम हो जाता है कि ऊपर की 5-6 यही टीमें हैं, नीचे वाली बस, और ये कुछ खुद करते भी नहीं कुछ, अब कल जो बेइज्जती हुई है आरसीबी की, एक होता है हारना और एक होता है बेइज्जती वाला हारना, तो बेइज्जती वाला हारे 200 करके भी कुछ थोड़ा सा कोई नजदीक ले जाओ कुछ करो, क्यों बॉलिंग नहीं है, क्या बॉलिंग है, बेकार बॉलिंग है तो बेकार बॉलिंग, ये दिल्ली कैपिटल बीच में इनकी बैटिंग का मसला, बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है, खलील बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बीच में कुलदीप यादव वगैरह दे आर नॉट बैड दे आर गुड, लेकिन आरसीबी की तो बॉलिंग ही बिल्कुल बेकार है यार, पंजाब दरमियाने दर्जे की टीम लग रही है और उधर ही कहीं मेरे ख्याल में फिनिश कर जाएगी, तो इट्स अनफॉर्चुनेट एक्चुअली, ये जो 3-4 टीमें हैं ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती, जो कि अच्छा नहीं है फैंस के लिए,
look at Gujarat Titan and the other team, Lucknow. दो साल वो पहले खेले हैं, उनका तीसरा साल है. एक ने दो बार फाइनल खेल लिया और एक ने दोनों बार प्लेऑफ में पहुंची है. तो इस दफा भी अभी वो रेस में है, बाहर नहीं हुए. गुजरात भी रेस में है और लखनऊ बेशक आज हार गया है, तो पांच में से फिर भी तीन मैच जीते हैं, दो हारे हुए हैं, तो फिर भी रेस में है. वो दोनों टीमें अभी भी रेस में है. लेकिन ये दिल्ली कैपिटल और आरसीबी जो के पता नहीं कब से खेल रही है, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, नाम शाम चेंज हो गया दिल्ली का, लेकिन पुराने चलता आ रहे हैं. तो जो दो तीन साल पहले टीमें बनी है वो एक फाइनल, दो बार फाइनल खेल गई है, प्ले ऑफ खेल गई है. ये वो बॉटम में थी, बॉटम ही रह गई. तो क्या इनका क्या कहा जाए, नाम बड़े ऊंची दुकान फीका पकवान. नाम बड़े और दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे. अच्छा जी, अनुपम गौतम साहब कहेंगे बहुत. हाँ यार, एक चांस है कि बाकी छह टीमें कम कर दें तो चार ही रह जाएं, तो फिर टॉप फोर में चला जाएगा. यार दिल्ली वाली जो है ना, आप वो खोले तो आप आज ही पहुंच जाएंगे फाइनल में. तो आप देखें, ये दस टीमें है अनुपम गौतम जी, टॉप फोर में जाने के लिए फिर आपको पांच टीमें भी खतरा हो सकती है. चार टीमें रखे आप, टीमें आपने चार रखनी है तो फिर जाके आपका कंफर्म हो जाएगा 100%. यस यू आर गोइंग, वरना मुश्किल हो जाएगा. यही एक तरीका लग रहा तो यही है. अगर आपके पास कोई है तो आप बता दें. यार ये तो बड़ी ज्यादती की है आपने. तो आप बता दें कोई तरीका आपके पास है तो. मैंने कहा पता नहीं क्या तरीका आप बताने लगे हैं कि चार ही टीमें हो जाए तो जाएगी. मैं क्या पता नहीं कौन सा तरीका बताने लगे. यार ये दो हजार बीस तक फाइनल खेली थी, आप ये भूल गए. आज तीन साल पहले ये मुझे याद है ना, तीन चार साल पहले मेगा ऑक्शन से पहले पहले. तो ऑन अ सीरियस नोट, मुश्किल है. आठ में से छह मैच मुझे नहीं लगता, मुझे भी लगता है मुश्किल है. आठ में से छह मैच, ये जो नंबर वन पे है ना, वो भी मुझे नहीं लगता आठ में से छह जीते, वो भी शायद पांच ही जीते. मतलब जो सबसे अच्छी टीमें जा रही है ना, आठ में से छह का आप हतमी तौर पर उनका भी नहीं कह सकते वो जीत जाएंगी. कंपेटिटिव टूर्नामेंट है कि जी आठ मैच उनके छह तो वो जीत ही जाएंगे. मतलब राजस्थान रॉयल अभी टॉप पे है, आठ मैच अगर उनके रहते हैं आप बोलें छह जीत जाएं, आई डाउट इट. तो ये तो बॉटम की टीमें हैं, वो कैसे आप आठ में से छह जीत जाएं, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. माई गादव और पता नहीं कौन, मोहसिन खान गॉड बीसी से फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अच्छी बात, इट्स नाइस. मोहसिन भाई, मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूं लेकिन दो दिन से बैक इशू हो रहा है. लास्ट वीक में भी वो यार कोई काम की बात करो यार. भाईजान, दीज टीम्स आर सो गुड दैट इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट वी ऑल नो दैट दीज थ्री विल नॉट मेक इट इनटू द टॉप सिक्स. इजंट इट बैड इनफ? टॉप सिक्स में पंजाब आ सकती है, मैं आपको भी कह रहा हूँ. टॉप फोर में अगर आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा. बट इट्स नॉट गुड फॉर द टूर्नामेंट ना यार, दो तीन मौसम भाई, दो तीन नॉट गुड फॉर द टूर्नामेंट. आई एग्री विद दिस. देखिए टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पता होता है दिल्ली और आरसीबी जो है वे वीक टीम्स है, ये बात मानने वाली. और पंजाब वीक टीम नहीं है माइंड इट, ये मैं आपको बता, कोई कमी नहीं है उनके पास, सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है उनका कप्तान. टीम में नहीं जगह बनती सही तरह, आप माने या ना, मसला ये है. वो शिखर धवन है तो लोग इसको माइंड कर जाते हैं, ओए मिस्टर आईसीसी, वो मिस्टर आईसीसी रेड अपना 50 ओवर में था, वो T20 में नहीं था मिस्टर आईसीसी. एक नंबर टू, हर प्लेयर की एक लाइफ होती है, हर प्लेयर, हर इंसान का एक बूम पीरियड होता है. मेरा ख्याल है धवन साहब अच्छे प्लेयर है लेकिन अच्छे लीडर नहीं है. आप माने ना माने आपकी मर्जी. ये सबसे बड़ा, पंजाब ने पहले राहुल को लगाए रखा, मारे गए. अग्रवाल को लगाए रखा, मारे गए. अब दो साल हो गए हैं, शिखर धवन को लगाए रखा, वो आपके सामने ही है, क्या हो रहा है यार. देखो बॉलर भी इनके पास है, बैट्समैन इनके पास इतने खौफनाक है रिजवान साहब,
यार रबादा कोई फुदू बॉलर है, अर्शदीप जो है वो कोई क्या गली मल्ले का बॉलर है, राहुल जहार जो कोई ऐसे ही चुचू है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी बरार जो है इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर, सैम करन इज नॉट बैड एट ऑल। मसला क्या है? मसला ये है जो कप्तानी है, ये बहुत बड़ा मसला है, लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है नहीं मानेंगे। जितेश शर्मा है, फिर सुशांत सिंह है, फिर आशुतोष है, मतलब माई गॉड दे हैव सो मैनी प्लेयर्स हु कैन विन मैचेस फॉर पंजाब जस्ट बिकॉज ऑफ। देखिए कप्तान होता है दलेर, कप्तान होता है जिसने यू फैसला लेना है, यू लाइक दिस। वो धवन साहब से नहीं हो रहा, अब देखिए पसंद है, वो हमें भी पसंद है, लेकिन जब आपने लीग पे बात करनी है, रोहित शर्मा जैसा 5 दफा का चैंपियन बनाने वाला 2 सीजन की बुनियाद पे उसको साइड पे बताए बगैर कर दिया, इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। तो आरसीबी, दिल्ली कैपिटल, अभी और पंजाब 8वें पे, मुंबई कुछ 2-3 दिन पहले नीचे था, लेकिन वी ऑलवेज न्यू कि मुंबई दे हैव अ वेरी डिसेंट लुकिंग स्क्वाड, इट्स द मैटर ऑफ टाइम दे विल गो टुवर्ड्स द टॉप, अपवर्ड्स उनकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, और वो हो गई 10वें से, अब वो रिंगते रिंगते 7वें पे, और अगला मैच मोस्ट लाइकली वो जीत जाएंगे वेंकटे पे। हाँ, तो हफ्ते या 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि तो वो 4th-5th या शायद टॉप 4 में जगह बना चुके हों, तो टीम में कोई जान होनी चाहिए। ठीक है अगर वो 2-3 मैच हार जाए, वो लगदा बात, लेकिन पता हो के भाई ये इनका 5 में से 3 आ रहे हैं ना, वो 5 में से 3 आ रहे हैं, बाकी 6 में से 1 जीती है, 6 में से 2 जीती है, वो 5 में से 2 जीत गए। तो अगर एक मैच और वो जीत जाएंगे तो इसका मतलब, और 2 मैच वो अपनी बेवकूफी से हारे हैं, जो हारे भी है ना 3 में, पहला मैच तो वो पता नहीं कैसे हार गए ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तो हारने वाले था ही नहीं गुजरात वाला, अब भी जीता हुआ मैच था वो निकला उनका। तो अब देखो क्या बनता है सिलसिला, टॉप 5 में राजस्थान, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद, टॉप 5, और बॉटम में फिर गुजरात, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, और ये टीमें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये जो बॉटम में 2 है ये मुश्किल हो गया इनका, बहुत मुश्किल हो गया इनका, हालात इनके बहुत खराब हो गए। दिल्ली हमारी जान है, आन है, शान है भाई, दिल्ली में रहते तो तुम, वो क्या नाम है भाई वो दूरधुन ऐसा नाम है, आप तो वहां पे रहते हो तो शायद वो सबसे करीब वहां पे दिल्ली हो, मे बी यार दिल्ली से इश्क भी तो हो सकता है ना, ये तो कोई बात ना, या शायद कोई जवानी गुजरी हो वहां पे, नहीं अभी भी जवान है ये, मतलब वो जो सुप्रीम जवानी होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली, वो वाली नहीं, ये कहता हूं कि मेरी जवानी तो शुरू ही अब हुई है। मिस्टर पीएल साहब, पंजाब किंग्स भी माजत है, लेकिन सच बात ये है कि आपका दिल प्रीति सिंटा पर है, और इसलिए पंजाब किंग्स को टॉप 6-4 पर डाल रहे हैं, और टॉप 6 या 4 में डाल रहे हैं, हम समझते हैं। समीर भाई बात ये है कि वो 49 की है और आप 40 के हैं, लेकिन आपका दिल भी उस पर धड़कता है ना, मसला तो ये है। अब आप अपने दिल की बात वहां बैठ के आपकी फुतफुत कर रही है कि वो कहीं हमारी भाभी जान ना सुन रही हो, नाम मोसिंगा डाल दिया, आप भी पीएल ही है ना, अब उन्हें क्या पता पीएल कौन से वाला है, आपने फौरन मोसिंग पे डाल दिया। उस पर तो लाखों विदा है। I think new year दिल्ली कैपिटल को PSL भेज देना चाहिए तो win first title overseas, still believe। चले आप उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी आपसे इजाजत लेंगे और फिर कल मिलेंगे, ख्याल रखें आप तमाम दोस्त, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।